हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रीन गार्डन आरबीएल में। दोस्तों, ये मेरा चंपा का फ्लावर ब्लूम कर रहा है। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है। पहली बार दोस्तों इसमें ब्लूमिंग हुई है और इसको देख करके बहुत ही खुशी हुई है। दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इसके फ्लावर्स का कलर कैसा होगा, कैसे फूल होंगे। तो ये बीच में येलो है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, और बाकी पेटल्स वाइट हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है दोस्तों। तो अब इसकी सभी ब्रांचों में ब्लूम्स हो रही हैं और बहुत ही जल्दी पूरे गुच्छे में इसके फूल दिखेंगे आप सभी को। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने गार्डन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का ओवरव्यू आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये वो हिस्सा है जो मेरे गार्डन के ओपन हिस्सा है, मतलब खुला हुआ है। ऊपर यहाँ पे कोई भी टेरेस नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सनलाइट आती है। इसलिए यहाँ पे सारे जो प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं दोस्तों, या फिर ऐसे प्लांट हमने यहाँ पे रखे हैं जिनको कि सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वेरिएटेड हिबिस्कस है जिसमें बहुत ही अच्छी ब्लूम्स आ रही है। डेली इसमें ऐसे ही फ्लावर खिलते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने ज़्यादा फूल इसमें आ रहे हैं दोस्तों। तो वेरिएटेड हिबिस्कस में जल्दी से फ्लावर नहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों, और मेरा भी ये प्लांट लगभग एक साल का हो रहा है, अब जाके इसमें ब्लूम्स आए हैं। और दोस्तों, यहीं पे इसके पीछे ही दो पपाया के प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और फ्रूटिंग भी इसमें हो रही है, अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसके फ्रूट्स गिर जा रहे हैं और रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके फ्रूट्स जो कि लगे हुए हैं, और काफ़ी फ्रूट्स इसके गिर चुके हैं। तो आप को अगर कोई आइडिया हो तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या किया जाए कि इसके फ्रूट्स ना गिरें। और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पे एक बैगन का प्लांट है, इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, कई सारे फल आ चुके हैं और फिर से इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो ये भी प्लांट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फूल और फल आ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं, एक छोटा सा बैगन लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, यहीं पे एक चांदनी का प्लांट है जो कि मैंने पिछले रेनी सीजन में कटिंग से ग्रो किया था, और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं दोस्तों। और उसके बाद ये है हाइब्रिड हिबिस्कस, इसके फ्लावर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कुछ नीचे के स्टेम्स को कट कर दिया है क्योंकि बहुत ही घना सा हो गया था प्लांट्स, तो नीचे के स्टेम्स को कट करने से सारे प्लांट्स अलग अलग दिख रहे हैं अब। और एक ये देसी गुड़हल है हिबिस्कस, जो कि आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें ब्लूम्स आती हैं, और इसके फ्लावर का कलर बहुत ही अच्छा है, एकदम टोमेटो रेड है, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों। तो ये हिबिस्कस है दोस्तों। यहीं पे कुछ मिर्च के भी प्लांट लगे हुए हैं, और इन सभी में मिर्ची भी लगी है दोस्तों। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक मिर्ची, इसी तरह से अंदर कई सारे मिर्ची लगी हुई हैं। तो ये भी, इसमें भी छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने नीचे कुछ सारे प्लांट लगाए हैं, मैरीगोल्ड के, और कुछ हैं ब्रायोफिल्लम के। तो ये सभी यहाँ पे छोटे छोटे से हैं, और ये है कड़ी पत्ता जिसे मीठी नीम भी कहते हैं, और इसको भी दोस्तों
पिछले सीज़न रेनी सीज़न में हमने लगाया था। देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसके बाद अलमंडा, जिससे आप मिल चुके हैं पहले भी। अगर आपने अलमंडा का वीडियो ना देखा हो तो चैनल पे ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे फूल इसमें खिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही बड़े साइज़ के फूल हैं इसके। यहाँ पे भी कुछ ही ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, गोवा है, चिलीज़ है, और ये भी एक अलमंडा है जो कि हमने दूसरी क्यारी से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये अब इसमें नई लीव्स आ गई हैं, तो दोस्तों फ्लावरिंग भी ये करेगा। ये इसमें दोस्तों येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और ये मेरा कनेर है, काफ़ी बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत आंधी आई तो इसके स्टेम सब गिर गई थी, तो जिसकी वजह से इसे नीचे से कटिंग कर दिया है। और इसमें भी ब्लूम्स हो रही हैं, लेकिन डेली बहुत ज़्यादा नहीं होती दोस्तों, दो चार फ्लावर ही आते हैं। तो ये कनेर है दोस्तों। यहाँ पे भी एक बैगन लगा हुआ है, और वो पीछे बॉटल में कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं जो कि पिछले एक महीने से रखे हुए हैं। इनको मैं 2 से 3 महीने रखूँगी, उसके बाद ही इनको यूज़ करूँगी दोस्तों। उसके बाद ये आगे चलते हैं, तो ये हैं मॉसरोज जो कि बहुत ही अच्छी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये सभी देसी वैरायटी है दोस्तों, जिनके फ्लावर डार्क पिंक होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के फूल होते हैं, और कलर भी दोस्तों एकदम ब्राइट होता है। और ये टायर प्लांटर में पर्पल हार्ट है, और दूसरे टायर प्लांटर में दोस्तों कई सारे प्लांट हैं, मिक्स एंड मैच करके लगाया है। ये एक मॉसरोज है, और ये गिलोय की बेल है दोस्तों। देखिए कैसे ये अपने आप से ही ऊपर जा रही है, तो मैंने सोचा है इसे पूरे ट्रेलिस पे यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और ये है टर्टल वाइन, और ये मॉसरोज, और ये कैरम। कैरम देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है इस छोटे से बॉटल में दोस्तों। और नीचे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंज किया है, पहले जो भी था दोस्तों उससे डिफरेंट हो गया है अभी। तो ये कुछ प्लांट जो कि धूप के ही हैं, इन सभी को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये सबसे जो खूबसूरत सा आपको दिख रहा है, ये अगेव है, काफ़ी बड़ा हो चुका है दोस्तों, और एक बटरफ्लाई भी घूम रही है। और इस तरह से कुछ यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये रेड पत्तियों वाला लाल सा है दोस्तों, और ये जो पर्पल फ्लावर है इसका नाम मैं अक्सर भूल जाती हूँ। और ये चांदनी, मिनी चांदनी, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। और ये कुछ विंका हैं, और देखिए यहाँ पे मॉसरोज थोड़ा कम ब्लूम किए हुए हैं, लेकिन कलियाँ बहुत सारी आई हैं दोस्तों, तो एक दो दिन में ब्लूमिंग भी अच्छी होगी। और ये कुछ कोचिया रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे एक रेन लिली है, और एक ज़ोरा देखिए दोस्तों, एक ज़ोरा में बहुत ही अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत और कितने बड़े बड़े गुच्छे में हैं। आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना छोटा सा प्लांट है और ब्लूम्स कितने अच्छे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक प्लास्टिक का प्लांटर है, प्लास्टिक का एक कंटेनर था, उसे प्लांटर बना दिया है दोस्तों। तो इसमें भी साइड साइड में टर्टल वाइन लगाया है, और बीच में एक ये ड्रेसिना है, और ये ब्रायोफिल्लम, और पीछे कुछ अगेव रखे हैं। और ये मटका जो आप देख रहे हैं, तो ये मेरा कंपोस्ट बिन है, इसमें सब्जियों की खाद बनाती हूँ। जितने भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं दोस्तों यहीं पे और डाल देते हैं हम लोग, तो ये महीने भर में तैयार हो जाता है। और ये जो आपको पपाया दिखाया था, काफ़ी बड़ा है, और बहुत सारे फ्रूट हैं दोस्तों इसमें,
लेकिन पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको। और यहाँ पे भी कुछ मिर्ची के प्लांट हैं, इस पे भी छोटी छोटी मिर्ची आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे गार्डन का छोटा सा एक सेकेंड पार्ट का ओवरव्यू है दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखने पे कुछ इस तरह सा आता है व्यू। यहाँ पे बीच में हम सीटिंग अरेंजमेंट भी करते हैं, लेकिन बारिश इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, तो हम कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट परमानेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बारिश होती है फिर सारी चीज़ें भीग जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, डेली ही बारिश होती है, कोई ऐसा दिन जाता है जब बारिश ना हो। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये मेरा गार्डन। अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स तो नहीं हैं दोस्तों, लेकिन कोशिश कर रही हूँ नए नए प्लांट्स ऐड करने की। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, और थैंक यू आप सबने मेरे और वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।